गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तनवी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेस। आज 23 जून 2018 के इंद्र टोल के साथ हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन के बेस पे प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, और आप इसे फॉलो करके आपको एक गाइडलाइन देने की कोशिश की जा रही है ताकि आप जो हैं उस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं, जैसे कम्प्रिहेंशन हो गया या किस तरह के वोकैब्स एंटोनिम्स आते हैं, तो आप ईजी वे में उसे क्रैक कर पाएँ। इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें दिए गए हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर जो हैं उनके एडिटोरियल को हमें डिस्कस किए जाते हैं। इस पूरे लेक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है वो कैब जो हिंदू एडिटोरियल के लिए जाते हैं। सेकेंड वन इज़ इंग्लिश कम्प्रिहेंशन विथ 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। 5 idioms and phrases एंड द लास्ट वन इज़ राइटिंग सेक्शन वेयर गिव यू द एसे टॉपिक। Coming to the first one, that is the Hindu tutorial vocab section, and the first word is inescapable, means अनिवार्य। आप बोल सकते हैं जो बहुत ही किसी चीज़ को अवॉइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको नकार सकते हैं, यानी कि वो अनिवार्य हो जाता है, उसे हम लोग जो है इनएस्केपेबल बोलते हैं। एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज अनएबल टू बी अवॉइडेड और डिनाइड, एंड द सिनोम्स आर इनएविटेबल, सर्टेन, डूम्ड, एंड द एंटोनिम्स आर escapable, and the example is political reforms was inescapable. Second one is appalling, means भय उत्पन्न करने वाला, डर जो होता है वो अगर ज़्यादा बनाया जाता है या फिर उस लोगों के बीच में बढ़ाया जाता है, उन्हें बोलते हैं appalling। एक adjective and the meaning is causing shock or dismay, and the synonyms are alarming, astounding, awful, and the antonyms are beautiful, calming, comforting, and the example is the cat suffered appalling injuries during the attack. Third one is disruptive, means hanikara, nuksandeh. Ek adjective and the meaning is causing or tending to cause this disruption, and the synonyms are disturbing, rowdy, troublesome, and the antonyms are calming, disciplined, settling, and the example is breaking a disruptive technology into the market is never easy. Fourth one is hesitation, means andolan. Ye ek adjective and the meaning is a state of anxiety or nervous excitement, and the synonyms are disturbance, turbulence, turmoil, and the antonyms are calm, harmony, order, and the example is she was wringing her hands in hesitation. Fifth one is divergent, means विभिन्न, अलग अलग, आप डिफरेंट भी बोल सकते हैं। एंड एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज टेंडिंग टू बी डिफरेंट और डेवलप इन डिफरेंट डिरेक्शन, एंड द सिनोम्स आर अटिपिकल, कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड द एंटोनिम्स आर अग्रीइंग, अलाइक, कन्फर्मिंग, एंड द एग्जांपल इज टू डाइवर्जेंट व्यूज हैव बीन हेल्ड एज टू द नेचर ऑफ द ओरिजिनल हेक्सापॉड स्टॉक। सिक्स्थ वन इज विंडिक्टिव, मीन्स प्रतिशोधी। ये एक एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग और अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज, सिनोम्स आर मैलिसियस, मर्सीलेस, रिसेंटफुल, एंड द एंटोनिम्स आर कॉम्पेंसेट, कंसिडरेट, फॉरगिविंग, एंड द एग्जांपल इज व्हाइल आई एम एंग्री विद विक्टोरिया आई विल नॉट बी विंडिक्टिव एंड मेक अप लाइज अबाउट हर। सेवेंथ वन इज इंसीडियस, मीन्स घातक, आप बहुत ही हार्मफुल भी बोल सकते हैं, डेंजरस बोल सकते हैं। वेरी एंड द मीनिंग इज प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सबटल वे बट विथ वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स, द सिनोम्स आर डेंजरस, सटल, मैचिवेलियन, एंड द एंटोनिम्स आर ऑनेस्ट, सिंसियर, एंड द एग्जांपल इज सेक्सुअल हरासमेंट इज अ सीरियस एंड इनसीरियस प्रॉब्लम। एट्थ वन इज पैट्रोनेज, मीन्स संरक्षण, ये एक नाउन है, एंड द मीनिंग इज द सपोर्ट गिवन बाय अ पैटर्न, एंड द सिनोम्स आर ऑस्पिसियस, बैकिंग, इनकरेजमेंट, एंड द एग्जांपल इज ब्लॉकेज, डिसअप्रूवल, डिसकरेजमेंट, एंड द एग्जांपल इज द आर्ट कुड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन प्राइवेट पैट्रनेज। नाइन्थ वन इज अप्रिहेंशन, मीन्स आशंकाओं, ये एक नाउन एंड द मीनिंग इज एन एग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल happen. Synonyms are disquiet, doubt, dread,
एंड द एंटोनिम्स आर बिलीव, काम, कामनेस. एंड द एग्जाम्पल इज ही फेल्ट सिक विद एप्रीहेंशन. टेंथ वन इज डिस्टर्प्टेड, मीन्स बाधित. ये एक वर्ब एंड द मीनिंग इज इंटरप्ट बाई कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम. एंड द सिनोम्स आर एजिटेट, बॉलिक्स, कन्फ्यूज. एंड द एंटोनिम्स आर अपीज, सूद, काम. एंड द एग्जाम्पल इज फ्लडिंग डिस्टर्प्टेड रेल सर्विसेज. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अवर हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस सेक्शन. एंड टूडेज एडिटोरियल इज ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट, जिन्होंने जो है मीडिया पे कुछ बैन लगाए हैं या फिर उनके जो काम करने के तरीके हैं उन पे थोड़े से जो हैं IPC के एक्शंस सेक्शन जो है 153A के तहत जो FIR लॉन्च किया है. मैं बता दूँ जो टू ग्रुप्स हैं वहाँ पे उनके उनके बीच में जो हैं अशांति फैलाने या फिर किसी तरह का किसी मुद्दे पे प्रोवोक करने के लिए, ताकि वहाँ का जो सिचुएशन है वो थोड़े से कंट्रोल में रहे और किसी तरह का जो है सद्भावना और किसी तरह का जो प्रोटेस्ट वगैरह ना आए, इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने जो है वहाँ पे कुछ 153A सेक्शन लगाया है. तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये प्रेस के फ्रीडम पे जो है, जिनको हम चौथा खंभा कहते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग, और इनके ऊपर अगर लगाए जा रहे हैं, अगर कुछ हम लोग एलिगेशंस फेयर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी रोल जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होता नज़र आएगा. वो अच्छे तरीके से अपने काम जो है वो कर नहीं पाएंगे. उनका काम होता है मीडिया का कि जो भी चीज़ें गलत तरीके से हो रही हैं उनको सामने लेकर आना. लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मीडिया जो है वो भी अच्छा ही काम करती हैं. उनके थ्रू भी बहुत सारे ऐसे पेशकस किए जाते हैं या ऐसे चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं जो हैं डिस्टर्बेंस कम्युनिटीज़ के बीच में ला सकती हैं. तो उसके ऊपर ही दिया गया है. लेकिन आप इस तरह से सप्रेस करके अगर मीडिया को रखेंगे तो वो भी आपके लिए जो है आपके लिए, आपके कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो है वो सही नहीं होंगे. तो इसी तरह से जो है वहाँ पुथैया थलमुराई केस जो था, पुथैया थलामुराई केस पे जो है डायरेक्ट उस पे जो है उसको रोका गया है. यहाँ तक कि 153 सेक्शन 153A के तहत जो है चैनल को जो है उस पे केस वगैरह भी लॉक किए गए हैं. और उनके जो वहाँ पे गेस्ट थे राउंड टेबल्स में, यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके ऊपर भी जो है वो केस किए गए हैं, उनके FIR लॉन्च किया गया है. आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे डिबेट्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह के कारण बनते हैं. तो इसके तहत जो है वो इस तरह के सोर्स के लिए उनको जो है वो रोका गया है. आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे द आशू केबल TV जो है वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है नेटवर्क का, वो न्यूज़ चैनल्स को जो कि 124th पे आता था वो अब उसको स्लॉट 149th स्लॉट पे रिमूव कर दिया गया है. तमिलनाडु क्लस्टर चैनल्स में बहुत सारे लैंग्वेजेस को भी उसमें रिग्रुप्ड कर दिया गया, और तो और जितने सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं उनको भी बहुत सारे रीजन्स में अनअवेलेबल कर दिया गया है. उनको वहाँ पे जो है वो चैनल्स जो हैं वो लोग नहीं देख पा रहे हैं. तो अराउंड 60% जो हैं वो 15 करोड़ होम घर जो हैं उसमें केबल TV सिलेक्शन जो है आरूस का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन वहाँ का लिंक जो है अब उसे जो है वो थोड़े बंद कर दिए. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरह के अगर हरकतें अगर होंगी तो हमारे यहाँ जो है वहाँ पे जो है मीडिया के जो काम करने का तरीका है या फिर मीडिया के ऊपर भी जो है वो थोड़े से जो है दबाव बना के अगर रखा जाएगा तो अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट नहीं आएंगे. डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खतरे पे रहेगा, क्योंकि वो जैसे कि ये सब बहुत सारे अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं अमेरिका, वहाँ पे मीडिया जो है वो सप्रेस्ड रहती है, वो खुलकर नहीं, गवर्नमेंट के अंडर रहती है. आप नॉर्थ कोरिया की बात कर ले, वहाँ पे तो वहाँ की सिचुएशन भी आप इससे रूबरू हो रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से जो है दिखाए गए हैं, कंसर्न दिखाए जा रहे हैं कि इस तरह से अगर सप्रेस करके रखा जाएगा मीडिया को तो उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आएंगे. ये तो एडिटोरियल के एनालिसिस. अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि यह है आपका द हिंदी एडिटोरियल इंग्लिश कंप्रिहेंशन क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट वन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डिसरप्टेड. एंड द ऑप्शंस आर ए अपीज, बी काम, सी एजिटेट, डी सूद. एंड द करेक्ट आंसर इज सी एजिटेट. सेकेंड वन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड इनएस्केपेबल. एंड द ऑप्शंस आर ए एस्केपेबल, बी डूम्ड, सी सर्टेन, डी इनवेटेबल.
and the correct answer is A, escapable. Coming to the third one, that is, in the following question, out of the four alternatives, choose the word which is similar in the meaning to the given word, divergent, and the options are A, agreeing, B, alike, C, conforming, D, atypical. And the correct answer is D, atypical. Fourth one is, the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question, and the question is, as for those subscribers who are linked to our Arashu via analog, the channel dash becomes simply unavailable in many areas. Options A, have, B, has been, C, has, D, have been. And the correct answer is C, has. Coming to the fifth one, last one, that is, the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question. The question is, any which way one looks at the Puthia Thalamurai case, one conclusion dash inescapable, it is a direct attack on press freedom. And the options A are, B has, C is, D have. And the correct answer is C is. Coming to the next section, that is our idioms and phrases section. The first word is, first idioms and phrases is, under the knife, meaning under a surgical. And the example is, he is under the knife for the removal of tumor. Second one is, like a knife through butter, means very easily. And the example is, she got her work done like a knife through butter. Third one is, a lame duck, meaning one who is disabled, helpless, effective, or inefficient. And the example is, his wife is a lame duck. Fourth one is, the last straw, means an addiction to a task which strains one's patience to the limit. And the example is, the last straw became the cause of his death. Fifth one is, to put the last hand to, means to finish or complete. And the example is, the painter put the last hand to the picture within the last 10 minutes. Coming to the next section, that is our essay topic section, and today's topic is challenges before the new media. ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से चैलेंज उनको मिल रहे हैं, उनके खुद के भी कितने सारे चैलेंजेस हैं इस बदलते दौर में. आप गवर्नमेंट को लेके दे सकते हैं, जो यहाँ की शांति कायम रखने की ज़रूरत है वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्लस डेमोक्रेसी वहाँ की जो है वो ख़राब ना हो पाए हमारे कंट्रीज़ की. तो ये सारी चीज़ें जो हैं न्यू मीडिया के पास जो है चैलेंज के रूप में हैं. मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है. 19A के तहत इनको फ्रीडम भी दिए गए हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 19A के तहत जो है फ्रीडम भी इनको दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत इनको दिए गए हैं. तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए. प्लीज़ आप हमें अपना आंसर्स इनबॉक्स कीजिए 252-110 लाइंस में. जैसे कि जीडी वगैरह, यूपीएससी बीपीएससी में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो आप उसे ईजी वे में टैकल कर पाएंगे, प्लस आपके राइटिंग स्किल भी डेवलप करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं. आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, पॉइंट्स में आंसर रेडी कीजिए, पॉइंट्स भी आपके क्लियर होंगे. प्लस इस लेक्चर के दौरान जो ट्यूटोरियल आपके स्क्रीन पे आते हैं प्लीज़ उसे रीड आउट कीजिए, ताकि आपके प्रोनंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल भी आपके अच्छे होंगे. वर्ड्स आपके गिवन होते हैं, सिनोम्स आपके गिवन होते हैं, तो ट्यूटोरियल को खुद में समराइज़ करने की भी कोशिश कीजिए. एक्सप्लेन तो हम लोग करते ही हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी. अनएम्प्लॉयड फ्री बिहार के मुहिम से हम लोग जुड़े हैं, बेरोजगार मुक्त बिहार, और इसके तहत जो है बिहार को बेरोजगार मुक्त बनाने का संकल्प जो हम लोगों ने ले रखा है, उसमें आपका भी साथ हमें चाहिए. आपके आस पड़ोस में या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में जिन्हें भी जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उन्हें हमारा संपर्क नंबर और हमारा एड्रेस प्रोवाइड करवाइए, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ, और इस मुहिम में आप भी हमारे साथ बनिए. जिनको लगता है कि वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे किए जाएंगे, किस तरह के कपड़े पहन के जाए जाते हैं, किस तरह के बॉडी लैंग्वेज होने चाहिए, तो इन सब के रिगार्डिंग हमारे यहाँ इंटरव्यू के क्लासेस भी रेडी दिए जाते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए. तो इन सब के रिगार्डिंग आप शाम 3 से 5 बजे के बीच में हमारे ऑफिस प्रीमिसेस में मिल सकते हैं. हमारा एड्रेस है एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोर्डिंग रोड पटना, एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोर्डिंग रोड पटना. और आप हमें कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. हमारा नंबर है 7279845076, 7279845076 एंड 7004154803, 7004154803.
0303. Thank you for watching these video. Please subscribe Everest Classes for latest update.